नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई के जेडे हत्याकांड में फैसला आ गया है और इस हत्याकांड में छोटा राजन को दोषी करार दिया गया है। 11 जून 2011 को जेडे की हत्या हो गई थी। आपको बता दें कि मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी। अदालत ने इस मामले में जिग्ना वोरा और पोलसन को क्लीन चिट दे दी है। जो चार्जशीट इस मामले में फाइल की गई थी उसमें साथी पत्रकार जिग्ना वोरा का भी नाम लिखा गया था, लेकिन अदालत ने इस मामले में जिग्ना वोरा और पोलसन को क्लीन चिट दे दी है और पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है छोटा राजन को। वीरेंद्र सिंह घुनावत मेरे सहयोगी इस वक्त और जानकारी दे रहे हैं। वीरेंद्र, विस्तार से बताइए। जेडे मर्डर केस में बहुत ही अहम फैसला आ चुका है सीबीआई कोर्ट से, जहां छोटा राजन अलवर डॉट उसे कन्विक्ट कर दिया गया है। यानी कि पूरे केस के अंदर जो मास्टरमाइंड है जिसने अपनी साजिश रची थी जेडे को मारने के लिए, उसमें छोटा राजन का हाथ है। साजिश रची थी जेडे को मारने के लिए, उसमें छोटा राजन का हाथ है, उसे कन्विक्शन मिल गया है। और जो पत्रकार है जिग्ना वोरा जो इन एक्यूज में शामिल थी उसे एक्विट कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सौरभ वटकानिया है जो अंदर कोर्ट में मौजूद थी और जज ने क्या कहा है उसे सुनते। सौरभ, विस्तार में बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो जो छोटा राजन है उसे कन्विक्ट कर दिया गया है इस पूरे मामले में। सबसे बड़ा मामला कह सकते हैं कन्विक्शन आया है छोटा राजन को, जब छोटा राजन को भारत लेके आया गया। ये जेडे मर्डर केस काफ़ी बड़ा और सनसनीखेज मामला था। 2011 में जेडे का मर्डर किया गया था और इसकी जो पूरी प्लानिंग थी, जो प्लॉटिंग थी, छोटा राजन इसमें खुद इन्वॉल्व था। उसने खुद बाहर से सिम कार्ड्स मंगाए थे, उसने प्रॉपर देखा था कि वो कहाँ से निकलता, उसने कहाँ से जाता है, उसके बाइक के नंबर, लोअर परेल की ऑफिस का नंबर, अंधेरी पवई में जहां पे रहता था, वो सारी की जो ग्राउंड साजिश थी, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, उसके अंदर छोटा राजन पूरी तरह से इन्वॉल्व था, वो साबित हो चुका। अब छोटा राजन इस पूरे मामले में कन्विक्ट हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है कि छोटा राजन जो अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर है, जो मुंबई, जो भारत में लेके आया, उसे छोटा राजन को कन्विक्ट किया गया है। दूसरी अहम बात इसके अंदर, जो जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा थी, कि जैसे एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार की हत्या कराई, तो जिग्ना वोरा को इस पूरे मामले से एक्विट कर दिया गया है। कोर्ट से वो निर्दोष साबित हुई है। कौन से ऐसे आधार है कि उसे एक्विट किया गया है, कौन से रीजन बताए गए? अभी आधार बताए नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से एविडेंस पेश तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज नहीं ठीक से सुन पा रहे हैं हम, लेकिन वीरेंद्र के पास वापस चले। उसके पहले आपको बता दें कि इस मामले में साथी पत्रकार जिग्ना वोरा को क्लीन चिट दे दी गई है। चार्जशीट में जिग्ना वोरा का भी नाम था और बताया गया था कि छोटा राजन ने कहा जिग्ना वोरा की प्रोफेशनल राइवलरी थी, जिसकी वजह से जिग्ना वोरा ने छोटा राजन को उकसाया था जेडे की हत्या करवाने के लिए। लेकिन किस आधार पर अदालत ने जिग्ना वोरा को क्लीन चिट दी है यह भी साफ नहीं हुआ, मगर जिग्ना वोरा और पोलसन दोनों को क्लीन चिट इस मामले में दे दी गई है। 2011 का यह मामला है। 11 जून 2011 को जब वो अपने घर से निकले थे ज्योतिर्मय डे पवई इलाके में, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक के बाद एक कई गोलियां छोटा राजन गैंग की तरफ से दागी गई थी जेडे पर और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके 7 साल के बाद आज ये फैसला आया है। मकोका कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अदालत का मानना है कि छोटा राजन इस मामले में दोषी है, लेकिन जिग्ना वोरा और पोलसन इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई है। किस आधार पर क्लीन चिट दी है ये बताएंगे वीरेंद्र सिंह घुनावत। वीरेंद्र, पता लग पाया अदालत में और क्या क्या हुआ है? नहीं वीरेंद्र, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। वापस आएंगे आपके पास, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामी है, नेटवर्क की वजह से आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर है। छोटा राजन को किसी पहले मामले में इस तरीके से कन्विक्ट घोषित करके सजा सुनाई जाएगी, ये एक बड़ी बात है अंडरवर्ल्ड के लिए। आपको बता दें खास तौर पर छोटा राजन की गिरफ्तारी अपने आप में एक झटका थी और उसके बाद छोटा राजन को सजा सुनाया जाना ये अपने आप में एक और बड़ा झटका होगा।
दिलचस्प बात यह है कि छोटा राजन ने उस समय पकड़े जाने के बाद जो बात कही थी जेडे मर्डर केस के बारे में, वो ये थी कि उसे शक था कि जेडे दाऊद तक उसकी खबरें पहुंचा रहा था, तो अंडरवर्ल्ड की भी आपसी दुश्मनी कारण बनी पत्रकार जेडे की हत्या की। आपको बता दें कि ज्योतिर्मय डे, जो जेडे के नाम से जाने जाते थे, दो किताबें भी अंडरवर्ल्ड पर वो लिख चुके थे और अंडरवर्ल्ड के अंदर काफी गहरे तक उनकी पैठ मानी जाती थी बतौर पत्रकार। इसीलिए जब उनकी हत्या हुई तो सबसे पहले अंडरवर्ल्ड पर उंगलियां उठी, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में जब सहयोगी पत्रकार का नाम आया तो सबको बहुत हैरानी हुई थी। वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे साथ आ गए हैं, वो इस पर और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वीरेंद्र बताइए। जैसे मैं कह रहा था कि ये प्रदेश का पहला केस होगा जिसमें छोटा राजन के खिलाफ कमीशन में मिला है जेडे मर्डर केस, और जो निगाहें थी कि क्या पत्रकार जितना हो रहा भी इससे उन्हें भी कमीशन मिलेगा, लेकिन कोई बड़ी राहत नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट हमें कोर्ट अंदर से जो हमें हमारी सहयोगी मीडिया दे रही है, वो हम इस बार देख रहे हैं। वीरेंद्र ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ आ गए हैं इसी पर और जानकारी लेकर। करीब 3000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी मुंबई की पुलिस ने सौरभ, लेकिन उसमें जिग्ना वोरा के लिए एक भी चीज साबित नहीं कर पाई पुलिस। शायद सौरभ से भी संपर्क हमारा कट गया। आपको बता दें कि 34 गवाह थे इसमें चश्मदीद, जिनका जिक्र चार्जशीट में किया गया था, और एक शार्प शूटर सतीश कालिया जिसका नाम था वो भी इस मामले में शामिल था, जिसने जेडे पर गोली चलाई थी। अभिजीत शिंदे, अरुण डाके, सचिन गायकवाड़ और अनिल वाघमोड़े, ये चार और लोग थे जिन्हें छोटा राजन के शूटर गैंग का हिस्सा माना गया, जिन्होंने पार्किंग लॉट में जेडे पर गोली चलाई थी उस रोज जिस रोज उनकी हत्या कर दी गई थी, जून 2011 का यह मामला है। वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे साथ आ गए हैं। 2016 में मकोका कोर्ट ने इस मामले में आरोप तय कर दिए थे और आज फैसला सुनाया गया है। वीरेंद्र आवाज आ रही है मेरी अगर आपको, तो आप विस्तार से बताएं। जैसे मैं कह रहा था कि छोटा राजन ये पहला ऐसा केस होगा देश का जिसमें छोटा राजन के खिलाफ सीधा कन्विक्शन हमें मिला है। इस जेडे मर्डर केस में जो मास्टरमाइंड है, जो जिससे पूरी साजिश रची थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि जेडे अपने आर्टिकल्स और अपने बुक के जरिए वो अंडरवर्ल्ड दूसरे दौर हम दाऊद इब्राहिम को कहते हैं उसके एवज में उनको थोड़ा हल्का बताएंगे। उनको ये डर था कि कहीं जेडे दाऊद इब्राहिम के साथ मिला हुआ है और जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं हानि पहुंचनी है। इस तरह का जो इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान हो रहा था उसी डर से और उसी शक से ये पूरा साजिश रची गई थी कि जेडे को पहले तो कॉल किया गया था, जब जेडे ने नहीं उठाया, जेडे को कहा गया था कि भाई आप हमसे मिलिए, छोटा राजन से मिलिए, लेकिन जब वो जेडे ने इंसाफ इनकार कर दिया उसके बाद उसने अपने गुर्गों को काम पे लगा दिया था और कुछ लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपको जेडे को मारना है, कैसे मारना है, आप इसकी तैयारी कीजिए, और इसी तैयारी के तहत जेडे की हत्या की गई। और उसके बाद ये लगभग पिछले 2011 से लेकर अब तक ये पूरा मामला चलता रहा है और आज एक अहम फैसला आया जिसमें कन्विक्शन आ गया है छोटा राजन के खिलाफ। लेकिन इसमें जिग्ना वोरा को किस आधार पर पुलिस ने आरोपी बनाया था और अदालत ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा? जिग्ना वोरा का जो पूरा केस है वो इस तरह से लग रहा था कि जब वो एशियन एज में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के हैसियत से काम करती थी, एक काफी डिप्टी ब्यूरो चीफ के पोजीशन पे थी, तो उससे एक जो इंफॉर्मेशन जो शुरुआती जांच में ये पता चले थे कि कहीं ना कहीं जेडे को मरवाने में जिग्ना वोरा ने छोटा राजन की हेल्प की है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसके घर की, उसके बाइक की और उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन छोटा राजन के गुर्गो को मुहैया करवाई है, लेकिन कहीं भी जांच में कहीं भी कोर्ट के स्टेट में ये सब बात पुलिस ने या फिर जो एडवोकेट्स है उन्होंने ये एविडेंस गैदर नहीं कर पाए कि भाई जिग्ना वोरा ने ऐसा कुछ किया है, और उसको मकोका कोर्ट से भी उसे चार्जेस के उसके खिलाफ फ्रेम नहीं हुए थे। तो जो आधार होता है कि भाई पहले से मकोका कोर्ट में अगर चार्जेस फ्रेम हो जाए तो जिग्ना वोरा एक्यूज के तौर पे साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे जेल मिल गई थी, एक सिंगल मदर है, उसके घर में भी फैमिली इशू था, और कहीं ना कहीं जो ठोस एविडेंस जिग्ना वोरा के खिलाफ चाहिए थे कि भाई कहीं उसने मरवाने की कोशिश की वो साबित नहीं कर पाई है प्रोसिक्यूशन, और इसके तहत आज उसे बरी कर दी गई है और बड़ी राहत मिली है जिग्ना वोरा को। अरविंद ओझा हमारे साथ आ गए न्यूज रूम से इसी पर और जानकारी लेकर। जिग्ना वोरा ने उसी समय
जिस रोज हत्या हुई थी अरविंद ओझा जे डे की, दो दिन के भीतर तीन बार कॉल किए थे और इसको आधार बनाया गया जिग्ना बोरा के खिलाफ आरोप तय करते वक्त। साथ ही साथ नाम लिया छोटा राजन ने, यह कहते हुए कि इनकी प्रोफेशनल राइवलरी थी। इसके अलावा और कौन कौन इस मामले में अहम लोग थे? जी देखिए, बड़ी वारदात थी ये, और ऐसा पहली बार हुआ था कि अंडरवर्ल्ड को, अंडरवर्ल्ड में आपसी दुश्मनी को लेकर, कहीं ना कहीं रंजिश को लेकर किसी पत्रकार की मुंबई में हत्या थी, जिसके बाद दहल गया था। छोटा राजन को शक था कि जो जेडे है वो दाऊद इब्राहिम के खेमे को काफ़ी हाईलाइट कर रहा, और छोटा राजन को लगातार दिक्कत थी, उस लिहाजा जो शूटर थे छोटा राजन के, जिसमें एक रमेश कालिया जो कुख्यात शूटर था, उसके जरिए जेडे की बाकायदा प्लान के तहत हत्या कराई गई। जब जेडे जो पत्रकार थे वो बाइक से जा रहे थे। बड़ी चीज़ ये है कि पहली बार जिस तरह से बाली में गिरफ्तार हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, उसके बाद इंडिया डिपोर्ट किया गया, ये पहली बार ऐसा है कि किसी केस में उसे दोषी करार दिया गया है, जो जेडे जो पत्रकार थे उनकी हत्या में दोषी करार दिया गया था। जिग्ना बोहरा की अगर बात की जाए तो मुंबई पुलिस ने कई ईमेल जो थे, जो एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें कई जिग्ना बोहरा के मेल भी बरामद किए थे, उसको लेकर बाकायदा चार्जशीट में डाला था, लेकिन इस मामले में जिग्ना बोहरा को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी जब फैसला आएगा तो किस आधार पर बरी किया है। लेकिन छोटा राजन, जब ये हत्या हुई थी उसके बाद भी आज तक से बात करते हुए कई बार सफाई दी थी, कई बार आरोपों को नकारा भी था, लेकिन साथ ही साथ कई बार ये भी कबूल किया था कई मीडिया के जरिए कि जो जेडे हैं पत्रकार, जो पत्रकार थे वो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के लिए लगातार काम कर रहे थे और छोटा राजन को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो छोटा राजन है उसने मुंबई में अपने शूटर्स के जरिए बाकायदा छोटा राजन की, माफ करिएगा, जो जेडे पत्रकार थे उनकी रेकी करवाई, और उसके बाद जब जेडे जो है बाइक से जा रहे थे उस दौरान बाकायदा ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करके उनकी हत्या करा दी। तो बाली से छोटा राजन जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद इंडिया डिपोर्ट किया गया तो पहला ऐसा केस है। कई केसेस चल रहे हैं, मुंबई पुलिस के पास कई केसेस हैं, कई सीबीआई के पास केसेस हैं, पहली बार ऐसा है कि छोटा राजन किसी केस में दोषी करार दिया गया है। जी बिल्कुल, और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में आरोप पुलिस की तरफ से ये लगाया गया कि साथी पत्रकार रही जिग्ना बोहरा ने ही उनके घर, उनके दफ्तर के फोन नंबर्स, उनके आने जाने के समय की जानकारियां वो छोटा राजन को उपलब्ध कराई थी। इसी तरह के इशारे छोटा राजन ने भी जिग्ना बोहरा के बारे में किए। जिग्ना बोहरा को दिसंबर 2012 में जमानत मिली थी इस आधार पर कि वो एक सिंगल पेरेंट थी, उन्हें अपने बच्चे की देखभाल करनी थी, लिहाजा उन्हें अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन उनके ऊपर भी वही आरोप लगाए गए थे जो कि बाकी लोगों पर लगाए गए थे, यानी कि हत्या दफा 302 और 120 बी, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश रचने के आरोप, जिनसे अदालत ने आज जिग्ना बोहरा को बरी कर दिया है। मगर छोटा राजन को कितनी सजा होगी? ओझा जी, कितनी सजा होगी छोटा राजन को? जी देखिए, अभी चूंकि हत्या का मामला है लिहाजा आप जो अभी देखना होगा कि किस तरीके से उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, फांसी की भी सजा, हालांकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह की सजा होगी। लेकिन हत्या का मामला है, कम से कम उम्र कैद की सजा मानी जा सकती है क्योंकि इसमें 120 भी है, यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना, और बाकायदा छोटा राजन जो इंडिया के बाहर से रहकर ये प्लानिंग रच रहा था और बाकायदा अपने शूटर्स के जरिए जो जेडे पत्रकार हैं उनकी हत्या कराई थी जब वो अपने घर बाइक से जा रहे थे, तो बाकायदा रेकी की गई थी, अपने शूटर्स हायर किए गए थे, पूरी तरह से छोटा राजन ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत सुपारी देकर जेडे जो पत्रकार है उनकी हत्या कराई थी, तो कम से कम उम्र कैद की सजा मानी जा सकती है। लेकिन फैसला अदालत को करना है, अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा रोहित, लेकिन बड़ा है क्योंकि बड़ा फैसला है क्योंकि छोटा राजन जिसने एजेंसी के लिए भी कई काम किया और उसके बाद बाली में रहकर वापस आते हैं। अरविंद, आपके पास एक बार मुंबई चलते हैं, वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे साथ आ गए हैं, लाइव मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं अब आपकी आवाज सुनाई दे पाएगी। वीरेंद्र, बड़ी चीज यह है कि भारत लाए जाने के बाद पहला ऐसा मामला है जिसमें छोटा राजन को सजा हो गई है। अब से पहले तक लोगों को यही लगता था कि अंडरवर्ल्ड के कथित डॉन, उनको किसी अपराध में सजा नहीं होगी। अब कम से कम यह तय है कि छोटा राजन उम्र कैद होती है तो एक लंबा समय जेल में गुजारेगा।
रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि ये एक पहला ऐसा केस होगा जिसमें छोटा राजन के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं और जिसके तहत कम से कम उन्हें उम्र कैद की सजा बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि कल ही जेडे की बहन ने एक मांग की थी कोर्ट से, कहा था कि मेरी तो मांग ये है कि आप जितने भी इसमें एक्यूज्ड है उन्हें फांसी की सजा दी जाए या फिर उनको उम्र कैद की सजा दी जाए, लेकिन जो जिस तरह से लीगल सूत्र हमें बता रहे हैं कि भाई शायद उम्र कैद की सजा मिल सकती है। लेकिन इस वक्त मैं वापस से सौरभ को यहाँ लाना चाहूंगा कि सौरभ ने जिग्ना वोरा उसके बाद विस्तार से बात करते हैं कि अदालत ने किस आधार पर उन लोगों को रिहा किया है जिनको रिहा किया गया है, जिनको बरी कर दिया गया है। जिग्ना वोरा और पॉलसन दो लोग इस मामले में बरी किए गए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।